नमस्कार दोस्तों, और आप सभी लोगों का स्वागत है स्पोक कॉम्बैट पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस कतार के मैच के बारे में, जो कि फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 का मैच है, जो कि 10 सितंबर 2019 को खेला जाएगा। और ये जो मैच है वो 10 PM से स्टार्ट होगा, यानी 10 PM से स्टार्ट होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के तहत। और ये जो मैच है आप स्टार स्पोर्ट्स 3 पे देख सकते हैं अपने टेलीविजन सेट्स पे, और साथ में अपने मोबाइल फोन्स पे आप हॉटस्टार और जियो टीवी पे इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं सारी जानकारी देने जा रहा हूँ इस मैच से रिलेटेड। दोस्तों, कतार एशियन चैंपियंस है और 2019 AFC एशियन कप की विजेता रही है। ये जो टीम है काफ़ी मजबूत है, और 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो कतार में ही होने जा रहा है। तो एज एन होस्ट ये जो टीम है वो पहले से क्वालिफाइड है फीफा वर्ल्ड कप के लिए। ये बस क्वालिफायर्स राउंड AFC एशियन कप 2023 जो कि चाइना में होने जा रहा है उसके लिए खेल रही है। दोस्तों, अपने पहले मैच में कतार ने अफगानिस्तान को 6-0 से हराया, और भारतीय फुटबॉल टीम को यहाँ पे अपने पहले मैच में ओमान के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। कतार की टीम काफ़ी मजबूत मानी जाती है। हाल ही में कोपा अमेरिका खेल के आई ये टीम भारतीय फुटबॉल टीम से ऑन पेपर, ऑन परफॉर्मेंस और कैसे भी बात करें तो काफ़ी मजबूत है। लेकिन जिस तरह का खेल यहाँ पे भारतीय फुटबॉल टीम ने अपने पिछले मैच में ओमान के खिलाफ दिखाया, शुरुआती 45 मिनट में, वो बिल्कुल ही अलग लेवल का खेल था। और ऐसा खेलते हुए मैंने यहाँ पे भारतीय फुटबॉल टीम को पहले कभी नहीं देखा है। लेकिन आखिरी के कुछ मिनट्स मैं यहाँ पे जो गलतियाँ हमने की, और शायद यहाँ पे खिलाड़ी जो थक गए थे उसके कारण यहाँ पे हमें हार का सामना झेलना पड़ा, और एक जीता हुआ मैच हमारे हाथ से निकाल ले गई ओमान की टीम। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ऐसे 3 रीजंस हैं जिसके कारण यहाँ पे भारतीय फुटबॉल टीम कतार की टीम को यहाँ पे अपसेट करके कुछ करिश्मा कर सकती है इस मैच में। अगर भारतीय फुटबॉल टीम यहाँ पे कतार की टीम को हराती है आज, तो उसे करिश्मा ही कहा जा सकता है। जो पहला रीज़न है वो है फुटबॉल का एक बहुत ही अजीबोगरीब ट्रेंड, कि अगर किसी टीम का दिन रहता है तो वो किसी भी बड़े टीम को हरा सकती है। और ये जो ट्रेंड है दोस्तों, वो समय समय पे सही साबित होता हुआ दिखता है। काफ़ी यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज की हाई है कि ये एक कमज़ोर टीम एक मजबूत टीम को हराने में कामयाब होती है। और अगर हम पिछले इनकाउंटर्स के बारे में बात करें इंडिया वर्सेस कतार का, तो कोई ज़्यादा यहाँ पे रिकॉर्ड्स नहीं, और ज़्यादा मैचेस इन दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेले हैं, तो यहाँ पे डिस्कशन करना उसके बारे में बेकार होगा। दोस्तों, जो दूसरा रीज़न है वो भारतीय फुटबॉल टीम खुद है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह का खेल का प्रदर्शन यहाँ पे भारतीय फुटबॉल टीम ने दिखाया है, और जैसे यहाँ पे खिलाड़ी यहाँ पे खेल रहे हैं, हो सकता है कि कतार की टीम का आज दिन अच्छा नहीं हो और यहाँ पे भारतीय फुटबॉल टीम उसे अपसेट करने में कामयाब हो जाए। और जो तीसरा रीज़न है उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अभी तक आपने स्पोक कॉम्बैट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा कि मैं जब भी एक नई वीडियो के साथ आऊँ तो आप सभी लोगों को अपडेट मिल जाए। जो तीसरा रीज़न है दोस्तों, वो है यहाँ पे इगोर स्टिमच। इगोर स्टिमच जैसे ही आए थे यहाँ पे भारतीय फुटबॉल टीम में, तो उन्होंने बोला था कि वो यहाँ पे समय लेंगे, लेकिन भारतीय फुटबॉल टीम के जो खेलने की शैली है उसे बदल देंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरत था, जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी मेरे हिसाब से, और शायद यहाँ पे जितने भी फुटबॉल के जानकार हैं हमारे कंट्री में उनके हिसाब से भी, क्योंकि जिस तरह का खेल यहाँ पे हमारी टीम खेलती आ रही है बहुत दिनों से, वो बिल्कुल भी यहाँ पे वर्ल्ड फुटबॉल स्टैंडर्ड्स के तहत नहीं आता है, और कभी भी उस स्टाइल के साथ हम यहाँ पे बहुत बड़ा सक्सेस कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। ये जो यहाँ पे सोच है इगोर स्टिमच की, यहाँ पे खेलने का जो स्टाइल है उसको बदलने का, वो बहुत ही अच्छा सोच है। और यहाँ पे वो रिजल्ट्स पे ज़्यादा यहाँ पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे ट्रांजिशन पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में यहाँ पे हमें फ़ायदा उसका देखने को मिलेगा। जो टीम यहाँ पे बस काउंटर अटैक्स और लॉन्ग बॉल्स पे डिपेंड करती थी, वो कुछ दिनों से यहाँ पे बिल्कुल शुरुआती क्षणों से ही यहाँ पे अटैक करते हुए दिखती है, ड्रिबलिंग के साथ। बिल्कुल नए जनरेशन के जो खिलाड़ी हैं वो अच्छे अच्छे खिलाड़ी को यहाँ पे फील्ड पे बीट करते हुए दिखते हैं, और शॉर्ट पासेस के साथ एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखता है यहाँ पे भारतीय फुटबॉल टीम के मिडफील्ड और फॉरवर्ड में। यहाँ पे डिफेंडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ खामियां हैं, जहाँ पे हमें यहाँ पे शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, जल्दी ही करना पड़ेगा, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर यहाँ पे चल रहे हैं, और इसी बीच में हमें यहाँ पे इस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में ज़्यादा मैचेस हमें नहीं मिलेंगे, और फ्रेंडलीज यहाँ पे AIFF कंडक्ट नहीं कराता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है भारतीय फुटबॉल टीम के लिए। और अगर यहाँ पे AIFF यहाँ पे कुछ फ्रेंडलीज, जो कि यहाँ पे वेकेशन होंगे बीच के मैचेस में जो गैप होंगे, उसमें अगर यहाँ पे 2-3 फ्रेंडलीज मैचेस कराने में कामयाब हो पाता है,
तो उसका फायदा हमें यहाँ पे भारतीय फुटबॉल टीम के रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आप क्या सोचते हैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने यहाँ पे स्पोक कॉम्बैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों लोग के साथ और अपने जितने भी चाहने वाले हैं और फुटबॉल को जितने भी चाहने वाले लोग हैं सभी लोगों के साथ आप शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।